हेलो 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 माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, आज सुबह में ही मेरा पूजा पाठ हो चुका है। सबसे पहले आपको मैं कान्हा जी का दर्शन करवा रही हूँ और मेरा मंदिर का व्यू इस तरह से है। मैं नहा हुआ ली हूँ और पूजा भी हो गया है मेरा। और देखिए अभी क्या हालत बना हुआ है। अभी थोड़ा देर में मैं अभी बाल वगैरह झाड़ूंगी, सबको नाश्ता बना करके खिला दी हूँ और अब मैं लग गई हूँ कान्हा जी के लिए भोग बनाने में। और इनके लिए आज मैं पुआ बना रही हूँ। और ये मैदा का पैकेट है, तो मैं इसको मैदा को मतलब डब्बा में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैदा इधर उधर रखने से इधर उधर गिर जाता है, और इसलिए मैं सोची कि लगे हाथ इसको भी डब्बा में पैक कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं कान्हा जी के लिए पुआ का जो घोल होता है उसे तैयार कर रही हूँ, और थोड़ा देर रखने के बाद, और ये देखिए, मैं इसको छान करके कान्हा जी को जा रही हूँ भोग लगा देने के लिए। और आज मेरा मन किया कि पुआ बना दूँ, क्योंकि पुआ भी झटपट से बन जाता है, बस इसको छानना रहता है, और इसलिए मैं इसको बना करके भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद मुझे रेडी होना है, तो मैं अब तैयारी कर रही हूँ अपना मायके जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। मेरी भाभी बुला रही है कि आइए। और आज क्या है कि मेरी बहन आई हुई है, जो मामा की लड़की का शादी हुआ था वो ससुराल से आई है, तो इसीलिए मेरी भाभी बोली कि आई है तो चलिए हम लोग दोनों साथ में मिल लेंगे, तो इसीलिए मैं तैयार होकर के जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। और यहाँ पर मैं अपना चूड़ी पहन ले रही हूँ। फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मायके। देखिए कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं कहीं जाने के लिए तैयार हुई, तब तक पानी भी चलने लगा है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं तो वो पानी देख लेंगे। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ और अभी पानी चल रहा है, मेरे हस्बैंड जी पानी भर रहे हैं। पानी पिलो, पियो ना, पूरा बाल झाड़ो, पार्क गंदा हो गया है। साइकिल का क्यों ले? हाँ देखिए, विनायक का साइकिल वहाँ पर है, साइकिल से मुझे ले जा रहा है घूमने के लिए। क्या करा साइकिल का वीडियो लो। मैं निकल चुकी हूँ घर से अब अपने मायके जाने के लिए, तो यहाँ पर मैं एक टोटो चलता है उसी से जा रही हूँ, मतलब नज़दीक आने के बाद ये मिला है। और क्या है कि मेरा मायके 15-20 मिनट की दूरी पर ही है। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपने मायके में और एक दो घंटा हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर ली और नाश्ता वगैरह चाय पानी सब हो गया है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ। और मेरी भाभी फिर अभी बना रही है पकौड़ी और हर सबका मतलब खाना पीना हो रहा है दोपहर का। तो अभी मैं बैठी हूँ, बातचीत सब हो गया। अब मैं थोड़ा देर के बाद जाऊंगी, मेरी मामी का लड़की आई है जिसका शादी हुआ था, उसी से मिलने के लिए आई हूँ। तो ससुराल से आई है तो थोड़ा जा कर के मिल लूँगी, तो थोड़ा देर के बाद अभी निकलूँगी। मेरी भाभी सोच रही थी कि आपको खाना खाना है तो खा लीजिए, और नाश्ता चाय वगैरह हो चुका है, तो मेरा मन अभी नहीं था खाने का, तो मेरे लिए पकौड़ी छानने लगी कि चलिए कुछ नहीं तो पकौड़ी खा लीजिएगा, तो वही यहाँ बना रही है। और ये विनायक और पुतुल का झगड़ा चालू रहता है, मतलब ये लोग दोनों जब मिलता है तो इसी तरह करता है, दोनों आपस में जरूर लड़ता है कुछ कुछ बोल करके। और यहाँ मेरी भतीजी तैयार हो रही है, मेरी भाभी तैयार हो चुकी है, तो मैं और मेरी हम लोग जा रहे हैं मामा जी के घर में, बगल में ही मामा जी का घर है, तो उन्हीं से मिलने के लिए, मतलब उनकी लड़की से मिलने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं आई थी तो लेटी थी ये शॉल ओढ़ करके, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि रख देती हूँ उठा करके, क्योंकि बिस्तर बिखर गया है। मोबाइल दे दो। अरे दोनों में भी हमको गैप भरना है। क्या करना है? गैप भरना। गैप भरना है? हाँ, गेम खेलना। नहीं, अभी चालू नहीं है। यहाँ तैयार हो रही है तो मैं इसको छेड़ रही हूँ, तो ये मतलब अपना ऐनक लेकर के मुंह छुपा करके खड़ी है, और देखिए मैं कुछ कुछ इसके साथ बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। मेरा मोबाइल
तो यहाँ पर तैयारी हो रहा है जाने के लिए, बहन से मिलने के लिए, और सभी लोग श्रृंगार कर रहे हैं और अपना अपना मेकअप हो रहा है। तो मेरी भतीजी का मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मेकअप कर ही रही है और वो अपना खूबसूरत चेहरा नहीं दिखा रही है आप लोगों को, बोल रही है मुंह दिखाई लगेगा। हाँ, मुंह दिखाई लगेगा तभी दिखाएगी। अरे देखिए मेरा भतीजा को ये आराम फरमा रहा है। अरे मैं भी अरे इसका तो बाहर आ जाता है ना, अपना नानी घर में आ करके बहुत मजा आता है ना, कितना अच्छा लगता है ना, हद से ज्यादा। किसके साथ अच्छा लगता है, है? आदित्य भैया के साथ। बाबू पानी पड़ेगा ना तो लाइन काट देगा। अब इसका खूबसूरत चेहरा देख लीजिए, मुंह दिखाई दे दीजिएगा भाई, एक लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने मोबाइल यही घर में ही छोड़ करके गई थी, क्योंकि विनायक और मेरा भतीजा घर में ही था, मतलब यहाँ पर ही। तो और ऐसे भी दूसरा जगह जा करके और वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो शूट नहीं की। तो फ्रेंड वहाँ से जब मैं आई तो अंधेरा हो गया था और घर आने के बाद बहुत सारा काम रहता है, फिर वीडियो नहीं बनाई। और ये सुबह दूसरे दिन का क्लिप है, तो आज है एकादशी, तो एकादशी पर मैं कान्हा जी को सुबह सुबह पूजा पाठ कर ली हूँ और इनका देखिए न्यू ड्रेस पहनाई हूँ। और ये ड्रेस मैं बनाई थी और बहुत ही सुंदर ड्रेस बना है और इसमें मेरे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह ही पूजा की हूँ, इनको श्रृंगार की हूँ और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज बना रही हूँ छोले और पूड़ी, और सुबह सुबह छोले पूड़ी बना करके बेटी को लंच में देना है तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ। और उसके बाद रोटी भी बनाना है क्योंकि ये रोटी खाएंगे। तो यहाँ देखिए छोला बन करके मतलब तैयार है क्या, छोला मैं टिफिन वगैरह दे दी हूँ तो थोड़ा सा बचा है, वही रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उस समय हड़बड़ाहट रहता है तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद जब सभी लोग चले गए तो इनके लिए मैं रोटी बनाने लगी और रोटी बना करके इनको जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। फिर यहाँ मैं जब किचन में काम करती हूँ तो यहीं पर मोबाइल रख करके कुछ कुछ यहीं पर देखते रहती हूँ, तो उससे मेरा काम भी करने में मन लग जाता है और मोबाइल में वीडियो भी देख लेती हूँ। तो वहीं यहाँ वीडियो लगाई हूँ तो मतलब मोबाइल में मेरा वीडियो चल रहा है, किसी किसी का देखती हूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ, तो यहाँ पर मेरा उसी का आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ रोटी भी मेरा बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कपड़ा धोना है। तो फ्रेंड कल से मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, कल मैं मायके गई थी और वहाँ से आकर कोई ब्लॉग नहीं बनाई और आज सुबह से फिर से मैं स्टार्ट की हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद यहाँ मशीन में लगाई हूँ और एक बैच चल चुका है मशीन का कपड़ा। और यहाँ पर देखिए इतना सारा अभी मैं निकाल करके रखी हूँ, सारा निकाल के अभी इसको मैं चला लूँगी, धो लूँगी। ये सब कपड़ा चल गया है, इसे पहले मैं निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड कहीं जाना रहता है तो कुछ आधा अधूरा काम छोड़ करके ही जाती हूँ क्योंकि ऐसे तो दिन भर काम में ही लगता है। तो कपड़ा कल मैं धो ही नहीं थी तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो आज मैं सारा निकाली हूँ छाट करके जितना गंदा है और सभी को मैं मशीन में चला चला करके रख रही हूँ और उसके बाद ये सबको फिर कंघालना है। तो सुबह में ही नहा करके पूजा पाठ कर ली थी तो आज मेरा नाश्ता टाइम पर हो गया है और अभी मेरा चावल चढ़ा हुआ है। फिर अभी मैं जा रही हूँ सहजन, और अभी बर्तन भी रखा हुआ है धोने के लिए, बस बर्तन धोऊंगी और सहजन का सब्जी बनाना है तो सहजन काट लेती हूँ। वहाँ मायके गई थी मेरी भाभी, तो मेरे मायके में ये सहजन का पेड़ है तो वही वहाँ से भाभी दी थी तो उसी का सब्जी बनाने जा रही हूँ क्योंकि छोला बनाई थी तो ख़त्म हो गया है और इनको सहजन खाना है। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।